हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द बियोन्सी एंड फ्लोटेशन। ओके, तो बियोन्सी क्या होता है वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब भी आप कोई भी मतलब बॉडी को आप जैसे पानी में इमर्स करते हो तो वो पानी जो है वो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता है। वो जो अपवर्ड फोर्स जो होता है वो जितना पानी वो बॉडी जो है वो वेसल में से डिस्प्लेस करती है वाटर, उसका जितना वेट होता है उतना उसका फोर्स होता है। ओके, और वो जो फोर्स होता है जो अपवर्ड रिएक्ट करता है उसे हम बियोन्सी फोर्स बोल रहे थे। ओके, उसके बाद हमने मेटा सेंटर एंड मेटा सेंटर की हाइट देखा था कि अगर हम मेटा सेंटर किसे बोलते हैं कि जैसे कोई भी मतलब बॉडी में क्या होता है कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वैसे ही वहाँ पे एक मेटा सेंटर का एक मेटा सेंटर होता है। ओके, बॉडी में जी मेटा सेंटर होता है। तो मेटा सेंटर जो होता है वो कैसे लोकेट करते हैं, तो उसके लिए कोई एक मतलब बॉडी होती है उसे अगर हम उसकी जो स्टेबल पोजीशन है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो ड्यूरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि वो ऑसिलेट करने लगती है, वो वाइब्रेट होने लगती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम उसकी जो बियॉन्ड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लाइन ऑफ एक्शन से मिसमैच कर जाती है। ओके, तो आफ्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहाँ भी आपकी बियॉन्सी की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन की एक्शन से मैच करती है वो पॉइंट को हम मेटा सेंटर बुलाते हैं। ओके, और वो मेटा सेंटर को हम एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो मेटासेंट्रिक हाइट यानी कि एम और जी के बीच का डिस्टेंस, एम फॉर मेटासेंटर एंड जी फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कोई भी मतलब बॉडी में या तो फिर थिंग में या तो कोई भी मतलब आप जैसे कोई भी चीज़ ले लो तो उसमें मेटासेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस जितना होता है क्लियर एम जी जितना, वो डिस्टेंस को हम मेटासेंट्रिक हाइट बुलाते हैं। ओके, तो ये सारी थियरीज हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में देखी थी, तो आज हम उससे कुछ आगे की थियरीज देखने वाले हैं। तो आज जो फर्स्ट थियरी है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ सबमर्ज बॉडी। ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस यहाँ पे आपको समझनी है बॉडी के लिए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है ऐसा कैसे बोला सकते हैं और ऐसे कंडीशंस कौन कौन सी है। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बियोन्सी इन केस ऑफ अ कम्प्लीटली सबमर्ज बॉडी आर फिक्स। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बियोन्सी ओके की पोजिशन जो होती है वो कम्प्लीटली सबमर्ज बॉडी में फिक्स होती है। देखो, जो मतलब बॉडी जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज यानी कि जो इमर्स करके की गई है पानी के अंदर, वाटर के अंदर, उसमें ये दोनों पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है। और वो पोजीशन के हिसाब से उसके तीन जो है वो हमने टाइप जो है वो निकाले हैं इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन आफ्टर सेकंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये तीन जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम देखते हैं। कंसिडर अ बलून विच इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज इन एयर। लेट लोअर पोर्शन ऑफ द बलून कंटेन हैवी मटेरियल सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर देन द सेंटर ऑफ बियोन्सी। देखो, कोई फर्स्ट केस में क्या होता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर उसको हम एयर में पूरा रख देते हैं और नीचे कुछ हैवी मटेरियल लगा देते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ बियोन्सी के नीचे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चला जाता है। ओके, तो उससे क्या होता है वो हम देखते हैं कि लेट द वेट ऑफ बलून इज डब्ल्यू एक्टिंग थ्रू जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइल द बियॉन्ड फोर्स एफ बी इज एक्टिंग वर्टिकली अप थ्रू बी। तो अब जो आपका वेट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा एंड जो आपका बियॉन्ड फोर्स होगा एफ बी वो बियॉन्सी के सेंटर से एक्ट करेगा। तो वो सीधी सी बात है, यहाँ पे वेट डाउनवर्ड है क्योंकि ये जो वेट है वो डाउनसाइड है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से डाउनसाइड आपका W लगेगा और बियॉन्ड फोर्स से अपवर्ड आपका बियॉन्ड फोर्स FB लगेगा। ओके, इसलिए ये जो है वो एरोज की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों साइड। ओके, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बलून W इज इक्वल टू FB होना ज़रूरी है।
ओके, ये आप सभी को पता है कि जो वेट और बियॉन्ड फोर्स है वो दोनों इक्वल होना ज़रूरी है, तो ही वो मतलब एयर में स्टेबल रह सकेगा आपका बलून। नाउ इफ द बलून इज गिवन एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 19A, देन डब्ल्यू एंड एफ बी कॉन्स्टिट्यूट अ कपल एक्टिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ब्रिंग्स द बलून इन द ओरिजिनल पोजिशन। थस द बलून इन दिस पोजिशन इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो अब देखो यहाँ पे मैंने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया बलून को। ओके, ये जो बलून वाला एक्सपेरिमेंट है वो आप घर पे भी कर सकते हो। ओके, बलून को जैसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक कपल फॉर्म होगा एफ बी एंड डब्ल्यू का, और जो काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो बनाएगा उसका रिएक्शन। तो उससे क्या होगा कि फिर से आपका बलून जो है वो इस पोजिशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसे जो है वो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। ओके, थस इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ पी एंड पॉइंट बी इज अबोव जी, याद रखना ये कंडीशंस जो है वो खास है कि कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन सा पॉइंट कहाँ पे होता है, हमको यही यहाँ पे सीखना है ये थियरी में कि बी एंड जी जो है वो कहाँ पे होता है, उसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस डिफाइन होती है। तो थस इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बी, अगर वेट ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स ऑफ दैट थिंग एंड पॉइंट बी इज अबोव जी, आपका बियॉन्ड फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल से ऊपर की साइड है, देन द बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपका बियॉन्ड से फोर्स अपर डायरेक्शन में है यानी कि अपर है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है यानी कि नीचे के साइड है और W इज इक्वल टू एफ बी है, तो आपका बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ऐसा कहा जाता है। ओके, एग्जांपल आप बलून का दे सकते हो कि बलून के अंदर अगर हम डाउन साइड में कोई ज़्यादा वेट वाला हैवी मटेरियल रख दे तो वेट जो है वो नीचे के साइड होगा, बियॉन्ड फोर्स ऊपर के साइड चला जाएगा। ओके, तो इस पोजीशन में अगर हम उसको क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो W और जो F भी है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल फॉर्म करते हैं, जिससे वो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन में है वो आ जाता है। तो ऐसे जो ऐसे एग्जांपल को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। ओके, और ऐसा क्या कब पॉसिबल है, जब आपका W इज इक्वल टू एफ बी हो एंड पॉइंट बी इज अबोव जी हो तो। ओके, तो वो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ W इज इक्वल टू एफ बी। अब देखो यहाँ भी W इज इक्वल टू एफ बी है ही एंड पॉइंट बी इज बिलो जी, द बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर 19B। इफ द स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द बलून इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन W एंड एफ बी कॉन्स्टिट्यूट अ कपल ऑल्सो एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थस द बलून डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका बियॉन्ड फोर्स जो है वो नीचे के साइड होगा एंड W जो है वो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपर साइड होगा, यानी कि ये बलून को मैं उल्टा कर देता हूँ। ओके, तो ऐसे कंडीशंस पे क्या होगा कि आपका जो कपल यहाँ पे फॉर्म करता है W और FB वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल प्रोड्यूस करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज में रिएक्शन नहीं देगा। तो इससे क्या होगा कि वो आपका बलून जो है वो मतलब कैसा हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दोनों में जो एरोस जो है वो उल्टे उल्टे हो जाते हैं। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब W इज इक्वल टू एफ बी हो एंड पॉइंट बी इज बिलो जी हो, पॉइंट बी इज बिलो जी हो, तब आपका जो कंडीशन है वो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हो जाता है। ओके, और सी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इफ W इज इक्वल टू एफ बी एंड पॉइंट बी एंड जी आर एट सेम पॉइंट एज शोन इन फिगर 19C, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो ये इक्वेशन, ये फिगर देखो, यहाँ पे एक मतलब सपोज कोई बलून है। ओके, जो सिलेंडर का टाइप का यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ बी है,
बट यहाँ पे एफ बी सॉरी आपका बियॉन्स फोर्स बी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जी जो है वो दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, वो दोनों सेम पॉइंट पे हैं, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। ओके, इसमें कोई कपल फॉर्म नहीं होता, कोई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल फॉर्म नहीं होता कि जिससे वो उसकी मूवमेंट जो है वो फ्लक्चुएट करे, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में W इज इक्वल टू एफ बी एंड बी एंड जी आर एट द सेम पॉइंट। तो ये बात हो गई आपकी कंडीशंस की कि कौन सी कंडीशंस में कौन सी स्टेबिलिटी रह सकती है। अब हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी देखेंगे। अभी हमने जो देखी वो कम्प्लीटली सबमर्ज बॉडी की देखी थी, यानी जो बलून था वो पूरे का पूरा एयर में था, ऐसा नहीं था कि वो हमारे कांटेक्ट में था आधा और आधा एयर के कांटेक्ट में था। लेकिन अब जो आप देखोगे तो उसमें क्या होगा कि फ्लोटिंग बॉडी का देखोगे। ओके, तो फ्लोटिंग बॉडी कैसी होती है, ये फ्लोटिंग बॉडी कम्प्लीटली सबमर्ज नहीं होती है, वो आधी मतलब उसकी जो सरफेस होती है वो पानी के अंदर होती है थोड़ी बहुत, बट ऊपर का जो उसका पोर्शन होता है वो बाहर होता है। ओके, तो ऐसी कोई भी फ्लोट करती हुई चीज़ हो उस पर इक्विलिब्रियम की कैसी कंडीशंस होती है वो हम ये थियरी में दिखेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मेटा सेंटर। मेटा सेंटर की पोजिशन के ऊपर से जो है वो उसका स्टेबिलिटी कंडीशन बनाया जाता है। इन केस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। फ्लोटिंग बॉडी के लिए क्या है कि वेट ऑफ बॉडी जो है होता है वो इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना लिक्विड हम बाहर निकाल देते हैं वो बॉडी से, यानी कि वो बॉडी उसमें इमर्स करने के लिए, तो उतना वेट वो बॉडी का होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे आपको दिखाया है, देखो W G B F B। ओके, तो इस पे देखते हैं हम क्या है थियरी में। इफ द पॉइंट M इज अबोव G, आपका जो पॉइंट M है वो अबोव G होता है। ओके, द फ्लोटिंग बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर 20A। देखो आपका G जो है वो बियॉन्ड फोर्स जो है उससे ऊपर होता है। ओके, तो यानी कि जो यहाँ पे M जो दिखाई दे रहा है, ओके, तो उसे हम यानी कि मेटा सेंटर, यहाँ पे हम M यानी मेटा सेंटर की बात कर रहे हैं। पहले ये स्टेबल कंडीशन में है, उसके बाद हमने एक कपल प्रोड्यूस किया तो उससे क्या हुआ कि बियॉन्सी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो M यहाँ जाके मिला आपके CG के लाइन ऑफ एक्शन को, और वो जो है वो G से ऊपर साइड है, यानी कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे डिस्टर्बिंग कपल में M की पोजीशन ऊपर की साइड है। ओके, यानी जब आपका मेटा सेंटर पॉइंट M पॉइंट अबोव G होता है तब आपकी फ्लोटिंग बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। इफ़ द स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द बलून इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द सेंटर ऑफ बियॉन्सी शिफ्टेड फ्रॉम B2 B1 सच दैट द वर्टिकल लाइन थ्रू BV1 यानी कि ये जो BV1 जो वर्टिकल लाइन है B1 की वो कट्स एट M, देन द बियॉन्ड फोर्स FB थ्रू B1 एंड वेट W थ्रू G कॉन्स्टिट्यूट अ कपल एक्टिंग इन अ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एक कपल बनाता है, थस ब्रिंगिंग द फ्लोटिंग बॉडी इन ओरिजिनल पोजिशन। तो फिर से वो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाती है, जैसा ये फिगर भी आपको दिखाया है। तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम किसके ऊपर से डिपेंड हुआ, मेटा सेंटर की पोजीशन के ऊपर से। अगर आपका मेटा सेंटर जो है वो जी से ऊपर आता है, यानी कि जी से ऊपर आता है, अपर डायरेक्शन में आता है, तो आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, आपकी फ्लोटिंग बॉडी, यहाँ पे मैं वर्ड फ्लोटिंग बॉडी इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये बॉडी फ्लोट कर रही है इसलिए। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशंस का भी दिखाया है आपको, पहले ये जी बी है। ओके, उसके बाद जो है वो बी यहाँ पे आ गया, बी से B1 हो गया, और B1 से जो M आया वो G से नीचे आया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्योंकि M इज़ बिलो G है। तो वो मैं यही आपको थियरी में दिखा देने वाला हूँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द पॉइंट M इज़ बिलो G। अगर आपका जो मेटा सेंटर पॉइंट है M वो बिलो G आ जाता है, देन द बॉडी विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर 20B। इफ़ द स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द बलून इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन
that the couple due to beyond force FB and weight W constitute a couple also acting in the anti-clockwise direction and thus overturning the floating body. अब देखो यहाँ पे जो कपल फॉर्म होता है वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, क्लॉकवाइज होता है. तो जैसे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखे तो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी में बढ़ जाएगा. ओके, तो ये उसकी अनस्टेबल कंडीशन हो गई. तो ऐसी अनस्टेबल कंडीशन किस कंडीशन की वजह से हुई, तो इस पर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका मेटा सेंटर पॉइंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सेंटर से सीजी से नीचे की साइड है, इसीलिए वो अनस्टेबल कंडीशन में चली गई. ओके, उसके बाद थर्ड जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है वो हमने आगे देखा है वैसा ही कि इफ़ द पॉइंट एम इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, अगर आपका मेटा सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे के ऊपर ही पड़ता है, देन द फ्लोटिंग बॉडी विल बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर 20C. ओके, तो 20C में जैसे आपको दिखाया है, फिगर 20C जो है वो यहाँ पे नहीं दी गई है, बट जो आपको फिगर 19C दिखाया वैसे ही कि अगर आपका जो M है वो जो M जो है वो G के ऊपर ही पड़ता है, यानी वो ना तो G के ऊपर है या ना तो G के नीचे है, M पॉइंट इज़ नॉट अबव द G एंड नॉट बिलो द G, देन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि फ्लोटिंग बॉडी में हम किसके बेस पे डिफाइन करते हैं, तो मेटा सेंटर की पोजीशन के हिसाब से, और फुल्ली सबमर्ज बॉडी में हम किसके ऊपर से डिपेंड करते हैं, पॉइंट बी एंड जी की लोकेशन के ऊपर से कि बी और जी की लोकेशन क्या है. ओके, तो ये दोनों थियोरीज जो है वो इम्पोर्टेंट थियोरीज है आपके लिए, और इसमें से MCQ भी अच्छे खासे निकल सकते हैं. उसके बाद 2.16 जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर मेटासेंट्रिक हाइट है. तो मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो कैसे फाइंड की जाती है, तो उसकी एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है मेटासेंट्रिक हाइट जो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो इसकी थियरी है. द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द फ्लोटिंग वेसल कैन बी डिटरमाइन प्रोवाइडेड दैट वी नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग वेसल. हमें सेंटर ऑफ जी जो है वो फ्लोटिंग बॉडी का पता है, ऐसा हमें मान लेना है. Let W1 is known weight place over the center of the vessel as shown in figure 21A. कोई एक floating body है, ये gravitational force है, उसके नीचे उसका beyond force है और उसके ऊपर ऐसे W1 weight है, ऐसा हमें assume करना है. okay? Let W is equal to weight of vessel including W1. W जो है वो उसका total weight है including W1, उसमें W1 भी आ गया है, vessel का total weight W. G is center of gravity of the vessel and B is equal to center of buoyancy of vessel. Okay. The weight W1 is moved across the vessel towards the right through a distance x as shown in figure 21. Suppose आपका जो weight जो है वो x जितना यहाँ पे transfer होता है. Okay. तो W weight से क्या होगा, ये जो है वो body tilt हो जाएगी ऐसे. ओके, वो एक्स जितना जो है वो मूवमेंट करता है, वो पहले यहाँ पे था सेंटर पे, अब वो एक्स जितना मूवमेंट करके यहाँ पे आ गया, तो उसका जो है वो बॉडी जो है वो टिल्ट कर जाएगा ऐसे. ओके, द वेसल विल बी टिल्टेड, द एंगल थीटा इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ अ प्लम्ब लाइन एंड अ प्रोटेक्टर अटैच ऑन द वेसल. तो हमने जो है वो प्लम्ब लाइन एंड प्रोटेक्टर जो अटैच किया था वेसल से, उससे हमने थीटा मेजरमेंट कर लिया. द न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्टेड टू G1 एज द वेट हैज़ मूव थ्रू टूवर्ड्स द राइट. अब देखो वेट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, तो आपका G जो है वो G से G1 हो गया और B से B1 हो गया है. ओके, G1 एंड B1, और ये जो है आपको जो एंगल थीटा है वो मेज़र किया गया है प्लम्ब लाइन और प्रोटेक्टर से के जो हमने फिट किया हुआ था वेसल पे. ओके, तो also the center of buoyancy will change to B1 as the vessel is tilted. Under equilibrium, the moment caused by the movement of the load W1 through the distance x must be equal to the moment caused by the shift of the center of gravity from G to G1. देखो ये दोनों मूवमेंट जो है, द मोमेंट ड्यू टू चेंज ऑफ जी एंड द मोमेंट ड्यू टू मोमेंट ऑफ W1 into x. देखो आपका लोड जो है यानी कि वो ट्रैवल कर गया है x जितने डिस्टेंस पे, तो टोटल जो मोमेंट होगी वो कितनी होगी, W1 इंटू एक्स होगी,
एंड आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जी से G1 चला गया है, तो उससे जो मतलब प्रोड्यूस होगी मोमेंट वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है ओके, अगर इक्विलिब्रियम में है तो. तो द मोमेंट ड्यू टू चेंज ऑफ जी इज इक्वल टू GG1 इंटू W, और GG1 जो है वो हम ड्यू टू ज्योमेट्री ऐसा लिख सकते हैं W इंटू GM tan थीटा ओके. तो W1 इज इक्वल टू W1 इंटू एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, देन द मोमेंट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ W1x इज इक्वल टू WGM tan थीटा, यानी कि ये जो है वो इक्वेशन लिख सकते हैं, तो GM इज इक्वल टू W1x अपॉन W10 थीटा. तो GM का जो मतलब टोटल जो मतलब है वो कितना आ सकता है, W1x इंटू W अपॉन W थीटा जितना डिस्टेंस आपका आ सकता है. तो ये जो है वो ये जो है वो सबज बॉडी का यानी कि फ्लोटिंग बॉडी का आपका मेटासेंट्रिक हाइट निकल गया ओके, GM जितना. तो ये GM हाइट जो है वो ऐसे हम निकाल सकते हैं, पहली मोमेंट हमने ली, सेकंड मोमेंट ली, और वो दोनों को इक्वेट करके हमने जो फाइनल जो मेटासेंट्रिक हाइट है GM वो निकाल ली, W1x अपॉन W10 थीटा ओके. तो उसके बाद जो एक है वो थियोरी आपको पढ़नी है, लेकिन वो थियोरी थोड़ी लेंथी है इसलिए हम ये लेक्चर में नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी ओके. तो ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ तक मेटासेंट्रिक हाइट तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला टॉपिक कवर कर लेंगे ओके. स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, थैंक यू.